नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। किसान आंदोलन को लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। इस बीच जो डेडलॉक स्थिति बन गई थी, इधर से भी बात नहीं बन रही थी, उधर से भी बात नहीं बन रही थी, दोनों जो पक्ष हैं अपनी अपनी बात पर अड़िग थे। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी। इसके बाद भी किसान जो हैं इसमें खुश नजर नहीं आते। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार दिया। उन्होंने इसे फैसला बताते हुए सरकार की जो मंशा है उसी के अधीन बताया है। इसके साथ ही कल जो लोहड़ी का त्यौहार था, लोहड़ी के त्यौहार को मनाते हुए किसान आंदोलन में किसानों ने कानून की जो प्रतियां थी उनको जला दिया। उनकी प्रतियों को जलाकर उन्होंने लोहड़ी का त्यौहार बनाया। इस पर प्रद्युम्न ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बीच का फैसला निकालने की कोशिश की, एक तरफ सरकार है एक तरफ किसान है, दोनों अपनी बातों पर डटे हुए हैं, दोनों एक पल भी पीछे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे, एक कदम भी अपना पीछे नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो इसमें किसानों की शंका के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी बताया, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई कि कृषि कानून को अमल में लाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद किसान बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कृषि कानून के अमल पर रोक लगाना ही इसका इलाज नहीं है, इस कानून को वापस करवाना ही इसका एक आखिरी इलाज है। तो ऐसे में किसान इस बात पर साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये किसान विरोधी बिल, जो किसान कहते हैं, वो वापस नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पर आंदोलन करना पड़े, चाहे सालों बीत जाए हम लोग करेंगे। 2024 तक की तो वो बोल ही चुके हैं पहले से। ऐसे में लगातार आंदोलन भी जारी है और बीते दिन लोहड़ी थी, ऐसे लोहड़ी में भी उन्होंने कृषि बिल को जलाया है, उसके बाद एक लोहड़ी मनाई है। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि उनकी जो मंशा है वो साफ हो गई है। उनकी मंशा बस यही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए, ना कि उस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि आगे भी कोशिश की जाएगी, बात समझ जाए, लेकिन ऐसे में सीजीआई ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया सरकार से कि अगर आप लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे तो फिर आखिरकार हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद यह सोच के किया होगा कि इससे कुछ बदलाव आएगा, आंदोलन शायद समाप्त हो जाए, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि साफ तौर पर किसान सब यही जिक्र कर रहे हैं कि जब तक यह बिल वापस नहीं होगा जब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। केरल की बात करें या फिर पंजाब की बात करते हैं और हिमाचल की बात करते हैं, वहां से भी ऐसे किसान हैं जो काफी मात्रा में यहां पर पहुंच रहे हैं और आंदोलन में अपना जनसमर्थन भी दे रहे हैं। तो ये आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सरकार जो अपने फैसले पे अड़िग हो गई है कि वो बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहती है, इंटरफेयर कोर्ट को करना पड़ रहा है, उसमें भी सरकार लगातार किसी बात को जिक्र करती है कि हम लोग इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन किसान बोलते हैं कि इसको वापस लीजिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में साफ जाहिर हो जाता है कि जो फैसले अभी आ रहे हैं उससे किसान जो है वो संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, एक चीज और है जो जानकारी को एड ऑन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए जब अपना फैसला सुनाया है तो उन्होंने तीन कृषि कानूनों पर रोक लगाई है, लेकिन उसके साथ ही जो किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी पर कानून बनाना, उस पर किसी भी तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। इसके साथ ही एक चीज जो बहुत जरूरी है बताना, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना, किसानों के डर की वजह क्या है? किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करते हैं लेकिन उसे मान नहीं रहे हैं, उसे मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके पीछे की जब वजह जानने की कोशिश की तो तमाम किसान नेताओं ने एक स्वर में एक बात कही। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में 4 सदस्य की कमेटी बनाई गई है, इसमें एक सदस्य जो होगा वो एक्सपर्ट होगा, वो कृषि का जानकार होगा, दूसरा जो होगा वो अर्थशास्त्री होगा, वो इकोनॉमिक एंगल से बताएगा कि क्या इस कानूनों से कितना अच्छा हो सकता है इकोनॉमी के लिए या फिर क्या बुरा हो सकता है, तीसरा एक सरकार का नुमाइंदा होगा और चौथा खुद एक किसान नेता होगा। तो ऐसे में किसान कह रहे हैं कि उनका नुमाइंदा छोड़ के जो बाकी 3 लोग हैं, एक तो सरकार का पक्ष हो गया और बाकी जो 2 लोग हैं, एक एक्सपर्ट और दूसरा अर्थशास्त्री, ये दोनों लोग पहले से ही सरकार की तरफ झुकाव रखते हैं, ये कृषि कानूनों के समर्थन की ओर झुकाव रखते हैं, तो उनका पहले ही वो कह रहे हैं कि उस फैसले का आगे चल के कोई भी फैसला निकले, वो पहले से ही बता रहे हैं कि उस फैसले का एक ही बात निकलकर सामने आएगी, वो ये है कि तीनों कृषि कानूनों को लागू किया जाए। और ऐसे में जब वो ये बात पहले से जानते हैं, जब इस बात का पहले से वो इल्म रखते हैं, तो इस बात से वो सहमत नहीं है, इस बात को वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिरे से नकार दिया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन इस फैसले को वो मानने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनको जाना ही था तो वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अमल पे लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून है इसको इंप्लीमेंट किया है, तो अगर ये कानून संसद से इंप्लीमेंट हुआ है तो इसको संसद से ही रद्द किया जाना चाहिए। ये किसानों की सबसे बड़ी जो है वो मांग है। जी प्रद्युम्न,
बिल्कुल, जिस तरीके से कमेटी का गठन हुआ उसमें चार लोग हैं, चार लोग में से एक शख्स ऐसा है जिसने जब ये कृषि कानून बना था तो सबसे पहले उन्होंने ही मांग की थी कृषि कानून बनाने की, तो अपने आप में साफ तौर पर किसान संतुष्ट फिर होंगे कैसे, क्योंकि जब इसमें कोई शख्स ऐसा है जो कृषि कानून बनवाने में सबसे अहम उसका रोल रहा है, अगर वो शख्स उस कमेटी में शामिल रहेगा तो अपने आप में साफ तौर पर साबित हो जाता है कि वो फिर कानून वापस नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में किसान नेता भी उसमें मौजूद है लेकिन इतनी नहीं सुनी जाएगी। तो किसानों के अंदर जो भय था पहले वो सरकार से ये था कि एमएसपी को हटा दिया जाए, लेकिन अब जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की है तो अब यह भय हो गया है कि जिस तरीके से वापस नहीं लिया है लेकिन बस अमल पर रोक लगा दी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने काम किया है वो एक मामला को समझौते के रूप में देने की कोशिश की गई थी लेकिन समझौता यहां पर भी नहीं हुआ है। तो जो मन में शंकाएं हैं उनके, किसानों के शक है मन में, वो दूर नहीं हो पा रहे हैं, ना सरकार की तरफ से दूर हो पा रहे हैं ना कोर्ट की तरफ से दूर हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि यह जो अभी आंदोलन चल रहा है यह अभी तक और लंबा खींचेगा, क्योंकि जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता है तो ऐसे में ये साफ तौर पर ये चीज सामने आती है कि जब तक आंदोलन वहां पर हर चीज व्यवस्था है, आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं काविंदर आपने देखा होगा कि हर बेहतरीन व्यवस्था वहां पर मौजूद है, ऐसे में जब वहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो किसान आंदोलन लगातार लंबे समय तक भी चल सकता है, लेकिन सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि इतनी भरी सर्दी, दिसंबर का महीना बीत गया, जनवरी आदि होने आ रही है, अगर ऐसे में भी इतने किसानों की मृत्यु हो गई ठंड की वजह से तो आखिरकार सरकार इतने किसानों के लिए सोच क्यों नहीं रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, क्योंकि सीजीआई ने सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सीजीआई ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे तो मजबूरन हमको कुछ करना पड़ेगा, और ऐसे में किया भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ दिखती है कि जब सीजीआई इस बात का जिक्र कर रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं तो हम करेंगे, तो सरकार का जो रवैया है वो वहां पर साफ तौर पर दिख जाता है। साथ ही साथ सीजीआई ने यह भी कहा है कि किसानों को भी अपनी हट छोड़नी पड़ेगी। सरकार ने लचर रवैया दिखाया, सरकार ने प्रस्ताव की बात की, सरकार ने संशोधन की भी बात की, लेकिन किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। समस्या प्रद्युम्न यही है कि इसका हल कैसे निकलेगा। किसान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो संशोधन से भी खुश नहीं है, उन्होंने एक बात को जो एक लकीर खींच दी है, उन्होंने एक लकीर बना दी है, लकीर से वो कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते या फिर जो एमएसपी है एमएसपी पर अगर कानून नहीं बनता, इन दोनों चीजों को जब तक अमल में नहीं लाया जाता वो जो बात कह रहे हैं तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक डेडलॉक की स्थिति बन गई थी क्योंकि किसान सड़कों पर मौजूद है, आंदोलन की शक्ल ले ली है और इस आंदोलन को एक सिटी के रूप में डेवलप कर दिया गया है। वहां पर हर जो फैसिलिटीज है वो मौजूद है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, खाने की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है। तो दिल्ली के तमाम दरवाजों पर जिस तरीके से सिटीज को डेवलप कर दिया गया है वहां पर हर तरीके की व्यवस्थाएं रख दी गई हैं, ऐसे में आंदोलन भी अपने रूप में जारी था और दूसरी तरफ सरकार भी अपना काम कर रही है, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वार्ताएं लगातार चल रही हैं, इसके बीच कई किसानों की मौत की खबरें भी आई जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करता है, सुप्रीम कोर्ट इस डेडलॉक की स्थिति में एक ब्रेक थ्रू देता है, लेकिन किसान इसे सिरे से नकार देते हैं। अगर किसान सिरे से नकार देंगे और सरकार अपनी बात पे अड़ी रहेगी, सरकार संशोधन तक ही बात कर रही है लेकिन किसान ने जो हट पाल रखी है कि वो जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करा देते और इसके साथ ही जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनवा लेते वो वापस नहीं लौटेंगे, इस हट का आखिर में आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या अंजाम होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो जिद है, सरकार की जिद हो चाहे किसान की जिद हो, वो जिद इस तरीके का तूल पकड़ चुकी है कि जब तक वो अपनी जिद नहीं मनवाएंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार का भी वही रवैया है, किसानों का भी वही रवैया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि किसान इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं जब तक ये किसान का जो बिल है वापस नहीं किया जाएगा। सरकार ये बात कहती है कि हम संशोधन करेंगे, कोर्ट इस बात का जिक्र करता है कि हम इस पर जो उसका अमल करना है उस पर रोक लगा दी है। तो ये बात साफ तौर पर दिखती है कि कोशिश तो की जा रही है लेकिन कोई सफलतापूर्ण उसका जो नतीजा है वो सामने नहीं आ रहा है। तो ये जो आंदोलन है, राकेश टिकैत की बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि जो 2024 तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो अभी जो 2021 की शुरुआत हुई है, अभी जो 2024 तक की अगर ये आंदोलन जाता है तो 3 साल है, लेकिन शायद ये उम्मीद जताई जा सकती है कि ऐसा ना देखने को मिले और जल्द से जल्द इसका कोई समाधान सामने आ जाए। समाधान ये हो सकता है कि किसान को अपनी थोड़ी जिद कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जब थोड़ी झुकी है तो ऐसे में किसान इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर सरकार एक कदम झुकती है तो हम भी आधा कदम झुकेंगे, लेकिन किसान झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब करीब 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया है आंदोलन में, लेकिन अब किसानों को यह बात समझनी चाहिए, जो उनकी थोड़ी जिद है वो जायज है लेकिन उसमें थोड़ी कमी तो बिल्कुल लानी चाहिए। कविंद्र
जी बिल्कुल, इतना बड़ा आंदोलन और इतनी सारे इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत जो अच्छी चीज़ इस आंदोलन में देखने को मिली है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर काम कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी फूट की खबरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है कहीं भी। एक किसान एकता मंच करके एक नाम दे दिया गया है जिसके अंदर सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं, और इसके साथ ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सारे किसान नेता एक स्वर में इसको नकार देते हैं, कहीं भी फूट की बात नहीं है, कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है। इससे एक बात तो सीधी साफ है प्रद्युम्न कि जिस तरीके से आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, मनोबल जो है वो बहुत तगड़ा है, जो हौसला है वो पूरा जोश में है। इसके साथ ही जो एक और चीज जो हम लोग जिस पर बात करनी चाहिए वो ये है कि सरकार का कोई भी बड़ा नेता अभी तक किसानों के बीच गया नहीं है, भाषणबाजी का वक्त चला गया। भाषणबाजी से कुछ नहीं होता, क्योंकि किसान जब हम सड़कों पर जाके बात करते हैं तो किसान बताते हैं कि टीवी पर अगर वो भाषण दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हम टीवी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर आंदोलन में हैं, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, हम अपने नेताओं को जो मंच पर बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, हम टीवी नहीं देखते। लेकिन उसी की तरफ दूसरी जो साइड है, जितने भी सरकार के बड़े नेता हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी की भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टीवी पर आकर भाषण देते हैं, वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं इसमें दरअसल अहित नहीं हित छपा हुआ है। लेकिन ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, ये किस तरीके का कम्युनिकेशन इसको समझा जाए कि जब आप टीवी पर आकर भाषण देते हैं, जबकि बड़ा आसान है क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये दिल्ली के ही अंदर ही हो रहा है, दिल्ली के दरवाजों पर किसान मौजूद है तो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद है, प्रधानमंत्री के साथ ही जितने तमाम बड़े नेता हैं, यहाँ पर मैं कृषि मंत्री की भी बात कहूँगा, नरेंद्र सिंह तोमर भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कितना समय और कितना वक्त लगेगा अगर वो जाकर सड़क पर बैठकर किसानों के साथ बात कर लेते हैं? इससे एक चीज़ और होगी कि किसानों को भी एहसास होगा कि उनके जो उनकी सरकार है वो उनके बारे में सोचती है, जो उनकी सरकार है वो उनको समझती है, जो उनकी सरकार है वो उनसे बात करने आई है। इतने छोटे से काम को करने में इतनी ज़्यादा जटिलता क्यों दिखाई जा रही है? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन, तो वो मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है कि सरकार भी कोशिश नहीं कर रही है, किसान भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वार्ताओं का दौर जरूर देखने को मिला था, लेकिन जो वार्ताओं का दौर था वो इतना अच्छा देखने को मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी वही जिद पकड़ी रही दोनों ही तरफ की पार्टियों ने, चाहे सरकार की बात करते हैं चाहे किसान की बात करते हैं, जो जिद है वो जिद आड़े आ रही है। जब तक ये जिद पीछे नहीं ली जाएगी, जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलता है, 2024 तक पहली बात हो चुकी है आंदोलन करने की, सारी सुख सुविधा वहाँ पर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दिन ब दिन वहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। तो ऐसे में अपने आप ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में एक बार ट्रैक्टर रैली का मॉक ड्रिल भी उन्होंने दिखा दिया था, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है सामने कि जब 26 जनवरी को उन्होंने जिक्र किया है तो बेहतरीन ट्रैक्टर रैली वो लोग निकालेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आंदोलन जारी है, अब कब तक जारी रहेगा, कब तक जिद नहीं छोड़ी जाएगी ये तो समय बता पाएगा, लेकिन शायद किसानों को चीज अब समझनी चाहिए कि एमएसपी पर जब सरकार जिक्र कर चुकी है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे चाहे कुछ हो जाए, वो लिखित में देने को भी तैयार है, तो शायद किसानों को अभी जिद कम करनी चाहिए। बिल्कुल, एमएसपी पर सरकार जो अपने तमाम दावे कर रही है कि एमएसपी नहीं हटेगी, लेकिन किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आपकी बातों पे हमें विश्वास नहीं है, आप लिखित दीजिए उस पर विश्वास नहीं, इस पर कानून बनाइए उसी पर हम विश्वास करेंगे। तीनों कृषि कानूनों को भी वापस लेना होगा। 50 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, कोई हल नहीं निकल कर आया, लगातार जो सिलसिला है मौत भी हो रही है, मौतों का भी सिलसिला जारी है, वार्ताओं की तारीखों का भी सिलसिला जारी है और किसान आंदोलन भी लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल जो हर एक हिंदुस्तानी के जहन में है वो ये है कि ये जो स्थिति है इसका इलाज क्या है, इस स्थिति का इलाज क्या है? किसान अपनी बात पर है, सरकार अपनी बात पर है, बीच का कोई हल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की लेकिन उसको भी किसान नकार देते हैं। सरकार ने हालांकि इसका स्वागत किया है, सरकार ने कहा है कि ठीक है अगर ये 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है तो वो उससे राजी है, लेकिन सरकार पहले से ही चाहती थी, अगर आप पूरे सिनेरियो को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो सरकार पहले से ही चाहती थी कि 4 सदस्यों की कमेटी बन जाती है तो बेहतर है। सरकार जो नहीं चाहती थी वो ये है कि तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाए। सरकार किसी भी दिशा में किसी भी मंशा में कैसे भी कानूनों में रोक लगाए जाने की तरफ जो है वो देख नहीं रही है। इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, बीते साल इसी समय की बात बता दूं आपको, शाहीन बाग जो आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत बड़ी लड़ाई थी, जो लड़ रहे थे लोग, इसके बीच वहाँ पर दंगे भी देखने को मिले, दंगे के साथ ही तमाम तरह की बातें भी निकल कर आती रहीं, लगातार खबरों में बना रहा पूरा शाहीन बाग का पूरा जो मैटर था, लेकिन उसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई, सरकार ने जिसको कानून बना दिया था वो कानून बना रहा, सरकार ने कानून वापस नहीं लिया। लेकिन इसके बाद जब किसान जो सड़कों पर डटा हुआ है, किसान लगातार सड़कों पर है, किसान कह रहा है कि जब तक आप कानूनों को वापस नहीं लेते हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यहाँ पर जो शांतिप्रिय जो व्यवस्था है
वो बहुत ज्यादा उस शाहीन बाग के अगर मुकाबले देखता हूं मैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। यहां पर किसी भी तरीके की अनर्गल बयानबाजी का दौर नहीं देखा गया, यहां पर किसी भी तरीके की अभी तक कुछ भी आपत्तिजनक निकलकर सामने नहीं आया है। इक्का दुक्का अगर चीजों को मैं हटा देता हूं तो इसके साथ ही जब ब्रेक थ्रू की बात होती है, जब एक डेडलॉक स्थिति है उसमें सुप्रीम कोर्ट ब्रेक थ्रू करता है, उसके बाद भी वही स्थिति जायज रहती है, आंदोलन जारी रहता है। इसके साथ ही लोहड़ी का त्यौहार होता है, उसमें आप जो एक कानून की जो प्रतियां हैं उसको जला देते हैं। इसमें किसानों को भी एक कदम पीछे हटना होगा, सरकार को भी एक कदम पीछे हटना होगा, दोनों लोगों को अपनी हट छोड़नी होगी और बीच का रास्ता ही निकालना होगा। क्योंकि अगर आप हट पकड़ कर बैठ जाते हैं प्रद्युम्न, तो इसका मुझे नहीं लगता कि आज तक इतिहास में भी इस चीज़ को देखा गया है कि हट जो हो वो पास कर दी जाए। बिल्कुल, जिद है, जिद तो छोड़नी पड़ेगी जब भी कोई इसका हल निकल के आएगा। अगर आप जिद को पकड़े रहेंगे तो शायद 2024 के 2028 भी आ जाए तो इसका हल नहीं निकलेगा। ऐसे में ये बात दोनों ही तरफ के लोगों को समझनी होगी कि जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उसको दूर किया जाना चाहिए। और किसानों की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और जग जाहिर है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी ही सभ्यता के साथ वो आंदोलन जारी है। किसान नेता अपने किसानों को समझा हैं और जो आंदोलन करने की बात है वो यहां पर तो साफ तौर पर दिख ही रही है, लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है। लेकिन जो इसका समाधान है वो वक्त बता पाएगा कि इसका समाधान कब तक निकलता है, क्योंकि किसानों की जो जिद है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।